सावन के महीने में चूड़ियां न लें ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन लीजिए जरूर पुरानी चूड़ियों को, अगर आप डिस्कार्ड करने जा रहे हैं तो ये वीडियो पहले आप ज़रूर देखिए। एक बार जब आप इन पुरानी चूड़ियों का रीयूज़ देख लेंगे तो नई चूड़ियां भी उसके सामने फीकी लगने वाली हैं। तो चलिए पुरानी चूड़ियों को नया कैसे करें। अब आपको करना क्या है, पुरानी चूड़ियों को लीजिए, 3, 4 या 2 डिपेंड करता है उसकी मोटाई कितनी है, उसको आपस में जोड़ते जाइए। जोड़ने के लिए तरीका आपके पास फेविकॉल या क्विक फिक्स या ग्लू गन जो भी है जिसके साथ आप जोड़ सकते हो, तो पुरानी चूड़ियों को जोड़िए जितना आपको मोटा उसका शेप चाहिए। जब आपने उसे जोड़ दिया तो उसको एक तरफ रख दीजिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए। अब बारी आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कपड़े की कतरन ली है, कपड़े की कतरन को मैंने इस तरीके से रिबन के शेप में काट लिया है। अब उसे डबल करके मैं नीचे की तरफ से जोड़ लगा रही हूँ और उसके बाद धीरे धीरे उसे रोल करती करती पूरी चूड़ी पर लपेट देती हूँ। ये काम आपको थोड़ा सा सफाई से करना है, सिलाई वगैरह कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा मोटा है तो आप उसे प्रेस करके भी इस तरीके से चूड़ी पर लपेट सकते हो। बहुत आसान है, बस स्टार्टिंग में जहाँ ग्लू लगाइए और उसके बाद आखिर में ग्लू से उसे अटैच कर दीजिए। ये दोनों तरफ से जब फिक्स हो जाएगा तो एक कपड़े की कोटिंग उस पर लग जाएगी। आपको अगर अपने कपड़ों की मैचिंग के हिसाब से चूड़ियों को बनाना है तो जब भी आप कपड़ों को सिलवाते हो ना बुटीक पे या टेलर से, तो उसे थोड़ी कतरन जरूर ले लीजिए। और हाँ, अगर आपको कपड़ों की मैचिंग के नहीं बनवाने तो इस तरीके से कलरफुल साटन की रिबन को भी यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है इसकी डेकोरेशन की। डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जो 10-10 रुपीस के छोटे छोटे पाउचेस में मिल जाती हैं हमें, वो हम सजाने के इसके काफी काम में ले सकते हैं। कई टाइप की डोरियां मिल जाती हैं, लेस होती है हमारे घर में, और ये पर्ल होते हैं और मिरर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जब मार्केट में जाएंगे ना बहुत आसानी से ये चीजें खरीद सकेंगे, या फिर आपको घर में ही बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। डिजाइन जैसा आपका मन करे वैसा उसे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जब सारी डोरी लग जाए तो साइड से भी मैं थोड़ा उसको सजाना चाह रही हूँ। अब सजाने टाइम अगर आपको ग्लू की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप फेविकॉल लगा लीजिए, फेविकॉल से थोड़ी सी सफाई ज्यादा आएगी। वाइट अगर आपको दिखता है तो थोड़ी देर में वो सूख भी जाएगा। देखा आपने किस तरीके से बढ़िया सा एक कंगन बनकर तैयार हो गया। ये ट्रिक बच्चों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं बच्चों, दूसरी चूड़ियां जो हमने जोड़ के रखी हैं उस पर हम साटिन रिबन को जोड़ते हैं। वो उसको भी इसी तरीके से नीचे से फिक्स करना है, उसके बाद लपेटते हुए आखिर में उसे एंड में वहीं पर फिक्स कर देना है। ये देखिए, किसी भी कलर का ले सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने ग्रीन कलर लिया है और उसके ऊपर मैं इसकी कॉन्ट्रास्ट कलर को लूँगी, जैसे मैजेंटा कलर। अक्सर इस टाइप की हमारे पास ड्रेस भी होती हैं और उसे आप इस तरीके से लपेटते जाइए। डिजाइन आप बनाते जाएंगे अपने आप मन में आती जाएंगी, जैसे जैसे आपको मन करे उसे पहनने का उस तरीके से आप डिजाइन देते चले जाइए। लग रहा है ये आपको घर में बनाई है आपने अपनी पुरानी चूड़ियों से, बहुत सुंदर चूड़ियां, बहुत सुंदर कंगन बनकर तैयार हो जाते हैं। आपकी चॉइस है आप उसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखिए, ऑरेंज कलर का जो कंगन दिख रहा है ना उसे मैंने कलावे से बनाया है। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज से उसे डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। जो पर्पल कंगन है उसे मैंने मिरर लगा कर तैयार किया है। इसी तरीके से ढेर सारी आप सुंदर सुंदर चूड़ियों को कंगन बना सकते हो और मनपसंद चूड़ी कंगन को पहनकर इस त्योहार को मना सकते हो, वो भी बहुत ही कम खर्चे में, 0% खर्चे में, क्योंकि कई चीजें तो हमें घर में ही मिल जाती हैं। तो देखा ना बच्चों, मैंने तो पुरानी चूड़ियों का अच्छा सा यूज किया है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है आज के बाद आप भी पुरानी चूड़ियां कभी डिस्कार्ड नहीं करोगे। अब बारी आती है सावन की। तो सावन के महीने में आपने नोटिस किया होगा हर घर में घेवर बनते हैं। अब घेवर जब बनते हैं, घेवर में एक परफेक्ट जाली आती है। जाली अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको एक ट्रिक से घी को बनाना पड़ता है। अब आप कहोगे घी को कैसे बनाते हैं, घी तो या तो घर में बनाते हैं या घी हम बाहर से लाते हैं। बाहर से लाए हो या घर में बनाया, तब भी हमें घेवर के लिए घी को तैयार करना होता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने घी रखा है। घी जो शुद्ध घी होता है उसे मैंने पिघला कर रखा हुआ है।
अब इस पिघले हुए घी में मैं डालूंगी बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। जब आप बर्फ का टुकड़ा डालेंगे, इसे आप इस तरीके से रब करते जाएंगे और ये बढ़िया सा घी सॉफ्ट सा जमता चला जाएगा। इस तरीके से जब घी जम जाएगा तो इसमें खूब सारा पानी भी आ जाएगा। बीच बीच में से आप पानी को भी निकालते जाओगे। जब ये सॉफ्ट टाइप का घी इस तरीके से तैयार हो जाता है, अब आप जब इस घी से बेसन और दूध और सारी चीजें डालकर घेवर बनाओगे तो बहुत ही परफेक्ट जालीदार घेवर बनेगा। अब बारी आती है इस मौसम में सस्ते से परवल की ऐसी मिठाई बनाई जाए जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए। यूं तो कई घरों में मिठाई बनी जाती है, लेकिन कुछ ट्रिक्स जानेंगे बच्चों तो ये मिठाई बहुत परफेक्ट बना पाएंगे। जैसे कि पहली ट्रिक, परवल को बिना बीज निकाले ही पहले उबलने दें, जिससे उनका शेप खराब ना हो, वो परफेक्ट शेप से बने, उसके बाद आप इनके बीज निकाल सकते हैं। दूसरी ट्रिक ये है, जब भी आप इन्हें उबालें तब एक पिंच मीठा सोडा डाल दें, जिससे इनका कलर परफेक्ट ग्रीन रहेगा, कभी कलर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी ट्रिक देख लेते हैं परवल की मिठाई परफेक्ट बनाने के लिए। जब आप 3-4 मिनट इन्हें उबाल लेते हैं, उसके बाद फौरन इसे ठंडे पानी में डालिए, जिससे इनकी कुकिंग रुक जाए और ये बहुत ही परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार हो जाए। कैसी लगी आपको ये ट्रिक, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए।